जर्मनी के 81 साल के एक बुजुर्ग ने जर्मनी से रूस तक का सफर एक ट्रैक्टर से पूरा किया। ये शख्स जब 5,500 किलोमीटर की दूरी तक तय करने अपने ट्रैक्टर से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे, वहां लोग पहले से उनके स्वागत में खड़े थे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लोग टायर जलाकर हंगामा करने लगे। फेसबुक पर एक पोस्ट की वजह से उत्तर 24 परगना के कई इलाके सुलग उठे और गुस्साए लोग सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भीड़ ने सड़कों पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। यह हिंसा फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से भड़की। इससे पहले उत्तर 24 परगना में ही बस और गाड़ियां भी फूंक दी गई। इसके पीछे बाहरी लोगों पर शक जताया जा रहा है। उत्तर 24 परगना के ही दूसरे इलाकों में भी फेसबुक पर विवादित पोस्ट की वजह से तनाव है। कुछ लोग इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ बता रहे हैं। बीजेपी है, आरएसएस बजरंग दल है, उन लोग को सजा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हिंसा के दौरान आम लोगों के साथ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जबकि विवादित पोस्ट के आरोप में एक युवक को पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस अब तक असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाई है। उत्तर 24 परगना में हो रही हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा तनाव की वजह से उत्तर 24 परगना के कई इलाकों में बीएसएफ को तैनात किया गया है। बीएसएफ के जवानों ने भी पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया और गश्त बढ़ा दी। पैदल मार्च के अलावा गाड़ियों के जरिए भी बीएसएफ के जवान सुरक्षा बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। उन्माद हो रखे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर पुलिस स्टेशन बसीराट जाए। बीएसएफ के अलावा पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भी उत्तर 24 परगना में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। लोगों के इकट्ठा होते ही पुलिस उन्हें भगाने लगती है। उत्तर 24 परगना में हिंसा की वजह से कई इलाकों में बंद जैसे हालात हैं। इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारियों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। प्रशासन के मुताबिक उत्तर 24 परगना में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। हालांकि उत्तर 24 परगना के कई इलाकों में ट्रेन अभी नहीं चलाई जा रही है, जबकि तनाव वाले इलाकों में बाजार और स्कूल बंद हैं। इसके अलावा यहां के बशीरहाट में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन उत्तर 24 परगना में हुई हिंसा पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर धमकाने और अपमानित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राज्यपाल और बीजेपी के खिलाफ आरोपों की बौछार कर दी। पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने फेसबुक पर लिखा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल का राजभवन आरएसएस शाखा में बदल गया। राज्यपाल की आवाज शाखा प्रमुख की तरह लग रही है। इनके जाने का वक्त आ गया है। हालांकि केंद्र ने ममता सरकार पर हमला करते हुए राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का बचाव किया। ताकत आप राज्यपाल जी से झगड़ा करने में लगा रही हैं, उसकी अगर आप 20% ताकत भी वो ताकतों से को ठीक करने में लगा देती उनके लिए हित में भी होता। लेकिन टीएमसी ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। टीएमसी ने राज्यपाल के मुद्दे पर राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी की कॉपी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी। उधर विपक्ष इस मामले में ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिख रहा और कांग्रेस ने ममता के मुद्दे पर राज्यपाल पर सवाल उठाए। जो भारतीय जनता पार्टी के नामजद गवर्नर हैं, उन्होंने गवर्नर हाउसेस के अंदर एक दूसरे तरह की पॉलिटिक्स शुरू कर रखी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने इस मामले को इमरजेंसी से जोड़ दिया। इंदिरा जी का जो इमरजेंसी था वो भी छोटा होने जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के अलावा जेडीयू और एनसीपी ने भी राज्यपाल के रवैये का विरोध जताया।